Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the part 3 of HTML tutorials. These tutorials are part of web design and development series and I am Anwar Mahmood. Aaj ke is tutorial mein hame web page development ke mein jin cheezon ko discuss karna hai unme paragraphs hain, headings hain, line breaks hain, free text hai jo hamare web page mein hota hai, comments ko discuss karenge, uske alawa placeholder text jo hamare paas web page development mein istemal hota hai usko bhi dekhenge. To kafi cheeze hain discuss karne ke liye aaj ke, to let's get started ji. Dekhte hain ki hamare paas kya jo hai karne ko hai aaj. Dekhiyega, ye ek basic web page tha jo ke last tutorial mein humne create kiya tha. Is web page mein 3 ya 4 lines likhi hui hain aur हमने बज़ाहिर एंटर या कैरिज रिटर्न की मदद से इनको नेक्स्ट लाइन पे जो है ना वो लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है. जब इसको हम इस चीज़ को हम अपने ब्राउज़र पे जो है वो व्यू करते हैं तो हमें पता चलता है, ब्राउज़र पे व्यू करने से हमें पता चलता है कि जी हमारे पास ये तो एक ही लाइन में जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं. एक ही लाइन में ये जो मल्टीपल लाइंस जो कि हमने सबलाइन में लिखी हुई हैं डिस्प्ले हो रही हैं. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हमारे पास ये है कि जब भी हम अपने वेब पेज में टेक्स्ट लिखेंगे और ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जो कि विदाउट टैग्स होगा, तो ये एक तरह से फ्री टेक्स्ट होता है जो कि हम अपने वेब पेज के अंदर रखते हैं. ये फ्री टेक्स्ट जो है ना वो ज़रूरत के तहत लिखा जा सकता है, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच और ये गुड प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप फ्री टेक्स्ट अपने वेब पेज में लिखें. फॉर सर्टन रीजंस ये वेब पेज ना किसी टैग में सराउंड हो रहे हैं, तो ये जो हमारा वेब पेज का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन रहा होगा, जो डॉम ट्री बन रहा होगा, उसमें भी प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा. और दूसरी चीज़ ये है कि देखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने एंटर प्रेस करने की मदद से जो मल्टीपल लाइंस जो मैं लेकर आया हूँ, या स्पेस बार से या टैब से जो मल्टीपल स्पेसेस लेकर आया हूँ, ये टैब्स, ये लाइन ब्रेक्स जो कि सोर्स कोड के अंदर लिखी हुई हैं, ये जो हमारा वेब पेज है इसको इग्नोर कर देगा. मल्टीपल लाइंस हों जो कि एंटर की मदद से आप नीचे ऊपर जो है ना वो इसमें क्रिएट कर रहे हैं, या स्पेसेस हैं, ये टैब्स हैं, एट्सेट्रा जो भी है, मल्टीपल लाइंस को जो कंसेक्यूटिव हैं, मल्टीपल लाइन स्पेसेस जो कंसेक्यूटिव हैं, हमारा जो ब्राउज़र है वो इसको सिंगल स्पेस में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि लेट्स से ये जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं, मैं इसको दोबारा अपने वेब पेज पर आता हूँ और इसको व्यू करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ. F5 प्रेस करने से देखिएगा कोई चेंज नहीं आ रही, किसी भी तरह की चेंज जो कि हमने वहाँ पे अपनी वेब पेज में लिखी है और यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही. जो मल्टीपल स्पेसेस, मल्टीपल लाइन ब्रेक्स हैं, वो सिंगल ब्रेक में कन्वर्ट हो रही हैं. इसका प्रूफ क्या है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इसके पेज सोर्स में आता हूँ, तो आप देखिएगा जो पेज सोर्स है उसमें वो लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ब्राउज़र जो है वो जो इस पेज को रेंडर करते हुए वो मल्टीपल लाइन्स को, मल्टीपल स्पेसेस को सिंगल स्पेस, कंजेक्टिव जो हैं उनको सिंगल स्पेस में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये सिंगल टेक्स्ट जो है ना हम लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है. अच्छा, वापस आते हैं सब लाइन में. लेट्स से जी कि मुझे ये फर्स्ट लाइन के बाद 2 स्पेसेस देनी है, तो सिंपल एंटर करने से, सिंपल एंटर प्रेस करने से ये काम नहीं चलेगा. उसका तरीकाकार ये होगा कि अगर आप यहाँ पर इस फर्स्ट पेज की, फर्स्ट लाइन के एंड पर ब्रेक का टैग यूज़ कर लें, जो कि आपके पास HTML में जो है ना वो आता है BR का टैग, BR का टैग सेकेंड भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप स्पेस मैं सेव कर रहा हूँ इसको और वापस अपने वेब पेज पे आता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो देखिएगा 2 स्पेसेस हमें यहाँ पे मैसर आ गई हैं, नंबर एक. दूसरा तरीका कार ये है कि जो BR का टैग है, इट हैज़ मल्टीपल वेरिएशंस. BR का टैग BR इसके साथ सिंपल भी लिखा जा सकता है और BR फॉरवर्ड स्लैश और एंगल ब्रैकेट्स क्लोज के अंदर भी लिखा जा सकता है, बोथ हैज़ द सेम इफेक्ट. अच्छा, ये हमने फ्री टेक्स्ट की बात कर ली, हमने जो है लाइंस की के हवाले से बात कर ली कि लाइन स्पेसेस किस तरह से इंट्रोड्यूस करवानी है. अच्छा, एक सेकंड चीज़ की अगर बात की जाए कि भाई ठीक है, ये आपने जो लिख रहे हैं BR की मदद से लिख रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे वेब पेज पे ये फ्री टेक्स्ट जो है ना मौजूद है, तो जो रिकमेंडेड अप्रोच जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि एवरीथिंग शुड बी इनक्लोज्ड इन टैग्स और एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसमें यह है कि हमने जो पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो हम HTML में इसके लिए एक स्पेसिफाइड टैग जो है ना अवेलेबल है, P टैग्स हैं, ठीक है, और P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग.
पैराग्राफ टैग से, पैराग्राफ टैग की मदद से हम इस पूरे जो टेक्स्ट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो तमाम का तमाम एक HTML एलिमेंट के अंदर इनक्लोज हो गया। इस HTML एलिमेंट को हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर रेफर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट करवा सकते हैं अपने कोड से। तो ये हम डॉम ट्री के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आएगी, ये सारी चीज़ें जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो हमने जो फ्री टेक्स्ट था उसको टैग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये चेंज नहीं आई, यहाँ पे एक मल्टीपल चेंजेस आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि फ़र्स्ट टू लाइंस जो हैं ये पहला पैराग्राफ बन जाए और सेकंड जो और उसके ऑनवर्ड जो लाइंस हैं वो सेकंड पैराग्राफ बन जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आप इस एक पैराग्राफ को मल्टीपल पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। मल्टीपल पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर ये राइट करता हूँ सेकेंड पैरा, ठीक है, और सेकेंड पैराग्राफ है मेरे पास और ये मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। तो इससे जो फ़र्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा जी, आप देखिएगा आपके पास, जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ बिस्मिल्लाह और वेलकम टू वेब डेमो, सेकेंड पैराग्राफ यहाँ से शुरू होते हैं और उसके बाद वाली चीज़ें आपके पास यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो पैराग्राफ्स के दरमियान में लाइन ब्रेक्स ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। अगर आपने फिर इनके दरमियान में भी अगर आप ब्रेक्स लाना चाह रहे हैं तो इसके मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे है वो आपके पास ब्रेक टैग है। ब्रेक टैग दो दफ़ा यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू कि आप कितनी स्पेसेस इसके दरमियान यूज़ करवाना चाह रहे हैं। दो पैराग्राफ्स हैं, दो पैराग्राफ्स सेपरेट जो है ना वो डिस्प्ले हुए हैं, सेपरेट इनके दरमियान में स्पेसिंग जो है ना हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ टैग। अच्छा, अभी जो पैराग्राफ्स होते हैं बेसिकली ये हमारे ऐसी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ऐसे कंटेंट्स जो कि पैराग्राफ की शक्ल में हम अपनी प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, कंपनी या क्लाइंट के हवाले से जो है ना रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इट मींस कि एक्चुअल सिनेरियो में जो भी पैराग्राफ लिखा जाएगा उसमें मोर देन वन लाइन्स और जो एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल टेक्स्ट है वो आएगा। तो जब तक नहीं आता हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी लेट्स से 5 लाइंस का एक पैराग्राफ है या मल्टीपल लाइन 10 लाइंस का एक पैराग्राफ है तो वो कहाँ से लिखें, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में एक चीज़ जो कि आपके पास प्लेस होल्डर टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो गिनी जाती है, जो कि सबलाइम में अगर आप बात करेंगे तो सबलाइम में भी इसका एक शॉर्टकट है, वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या ओवर द इंटरनेट जाकर आप गूगल करें और प्लेस होल्डर टेक्स्ट फॉर वेब डेवलपमेंट जो है ना वो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। मल्टीपल फ्रेजेज़ मिलती हैं और उनको जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है। सबलाइम में इसके लिए जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, लॉरम आप जहाँ लिखें, लेट्स से मैं पैराग्राफ ब्लैंक पैराग्राफ के अंदर लिख रहा हूँ, टैब प्रेस करेंगे तो ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है ना मेरे पास आ जाएगा। ये एक स्पेसिफाइड प्लेस टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट सेंटेंसेस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ तो देखिएगा एक पैराग्राफ की शक्ल में मेरे पास उसने एक कंटेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि ये इस तरह के टेक्स्ट हमारे पास इस वेब पेज पे आने वाला है और ये इस तरह के पैराग्राफ्स की शक्ल में आएगा, हम इसको यूज़ कर लेंगे जी। तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट की बात होगी, थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। लेट्स से कि जो नीचे वाले अभी मैंने जो पहले की चीज़ें लिखी हुई थी इनको मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये फ़िलहाल यूज़ ना हो, इनको हम किसी और पर्पज़ के लिए या किसी लेटर टाइम के लिए जो रखना चाह रहे हैं तो रखना चाह रहे हैं, डिलीट नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये भी नहीं चाह रहे कि ये अब हमारे वेब पेज पे जाके डिस्प्ले हो। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस या डिलीट स्पेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, हम ये नहीं चाह रहे। कंट्रोल जेड से मैं वापस लेकर आया, नंबर एक। तो इसका क्या तरीका कार है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट पर रहे भी और इन फ्यूचर अगर इसको हम यहाँ पर शो करवाना चाहें तो शो भी करवा लें। उसका तरीकाकार क्या होगा कि इस टेक्स्ट को हम इस कंटेंट को हम कमेंट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। कमेंट्स मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, नंबर एक याद दहाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जी आपने आज क्या लिखा और लेट्स से अगर टेक्स्ट से अपने कोर्स से मुतल्लिक जो टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं इन फ्यूचर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी आपको याद दहानी करवा दे, आपको रिमाइंड करवा दे कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था, ये लॉजिक मैंने ऐसी क्यों बनाई थी, ये इस जो वेरिएबल्स हैं इनका क्या पर्पस है, तो वो यहाँ पर हम जो है ना मेंशन कर सकते हैं, नंबर एक। अच्छा, सेकंड इसकी थॉट ये होती है कि जो आप कोड लिखते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, इसका पर्पस ये होता है जिस कंटेंट की इधर HTML में, इधर C लैंग्वेज में, C#, जिस लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो वो कॉन्टेंट आपका कंपाइलर या
आपका जो एग्जीक्यूशनर जो प्रोग्राम है वो उसको इग्नोर कर देता है, वो उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेकर आता। HTML में जो कमेंट्स डेफिनेटली ये एक सिस्टमेटिक वे में लिखे जाएंगे, तो सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए हमारे पास जो टैग अवेलेबल है HTML के अंदर, मैं कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो कमेंट्स लिखने के टैग हमारे पास HTML में मौजूद है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, एंगल ब्रैकेट्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल हाइफन दिखेगा। तो आप ये HTML कमेंट्स का स्टार्टिंग टैग है, इसका जो क्लोजिंग टैग जो एंडिंग टैग है वो डबल हाइफन और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। इसके दरमियान जो भी चीज़ लिखी जाएगी, जो भी चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी जाएगी वो कमेंट्स होंगे और हमारा ब्राउज़र उनको रेंडर नहीं करेगा। पार्ट ऑफ सोर्स प्रोग्राम रहेंगे, पार्ट ऑफ सोर्स वेब पेज रहेंगे, मौजूद रहेगा लेकिन डिस्प्ले में नहीं आएगा। ठीक है जी, एक बात होगी। अब हम यही चाह रहे हैं कि अच्छा इसको भी कमेंट कर लिया जाए। और दूसरा एक शॉर्टकट मैं आपसे प्लीज़ शेयर करता चलूँ, लेट्स से मैं चाह रहा हूँ दीज आर कमेंट्स टू, तो इनको अगर मुझे या तो मैं टैग से इसको इनक्लोज कर दूँ, या दूसरा तरीका का रही है इसको मैं हाईलाइट करूँ, ठीक है, और कीबोर्ड से सबलाइम पे, जगह आप सबलाइम की विंडो में हैं तो कीबोर्ड पे सबलाइम पे आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस करेंगे तो जो इनक्लोज टेक्स्ट है जो जिस लाइन पर आप मौजूद हैं वो कमेंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, तो ये जो इसको हम कमेंट करना चाह रहे हैं इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल लाइन्स हैं जी, मैं बिल्कुल मल्टीपल लाइन्स हैं, सिलेक्ट किया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस की तो कमेंट हो गया। तो ये अब हमारे वेब पेज की जो रिप्रेजेंटेशन है ब्राउज़र के अंदर वहाँ पे नहीं आएगा। देखिएगा ये अभी मैंने न्यू पेज ओपन किया है अपनी जो वेब मैं सबलाइम के अंदर बना रहा हूँ, ये उसका प्रीवियस वर्जन जो सबलाइम में बना और ब्राउज़र की विंडो में शो हो रहा है। मैं इसको वाइप करता हूँ तो जो चीज़ कमेंट हुई है वो यहाँ से वाइप आउट हो चुकी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पैराग्राफ्स की बात मैंने कर ली है और कमेंट्स की बात भी कर ली है। अब पैराग्राफ के अंदर रहते हुए चूँकि मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग देता हूँ, ठीक है, और इसी तरीके से मैं एक सेकंड पैराग्राफ भी क्रिएट करता हूँ और उसको भी मैं इसी तरह की हेडिंग देता हूँ, लेकिन उसको मैं सेकंड पैराग्राफ जो है ना वो कह देता हूँ। अब देखिएगा सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ एट्सेट्रा, लेकिन सेकंड पैराग्राफ और लोरम इप्सम उसके सामने आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ और बाकी चीज़ें उसके साथ जो है ना वो कंटिन्यू हो रही हैं। ये कुछ मज़े की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये जो मज़े की चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों को अगर आप हेडिंग्स यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप एक ऐसा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट से ज़रा हट करो उसकी फॉन्ट के हिसाब से, उसकी फॉन्ट वेटेज के हिसाब से एट्सेट्रा, ठीक है, बोल्ड हो, ज़रा बड़ा हो, तो उसके लिए आप स्टाइलिंग खुद भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो HTML प्रोवाइड कर रही है, HTML हमारे पास हेडिंग्स का जो टैग्स जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है, ये हेडिंग्स के टैग इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्ट इन टैग्स हैं HTML के अंदर प्रोवाइडेड हैं, और इसमें क्या चीज़ें हम देखते हैं और फिर पैराग्राफ्स की डिज़ाइनिंग की तरफ वापस आते हैं। हेडिंग टैग्स जो रेंज करते हैं वो H1 से H6 तक जो है ना वो रेंज करते हैं, और इनका जो लिखने का तरीकाकार है वो ये है कि आप H1 स्टार्टिंग और H1 क्लोजिंग टैग के दरमियान जो चीज़ लिखेंगे वो आपको हेडिंग्स की शक्ल में नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा देखते हैं जी। मैंने H1 का टैग यूज़ किया और मैं इसको H2 के टैग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, H3 के टैग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4 and 5 एंड लास्ट में 6 भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा 6 भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर गौर कीजिएगा H1 से H6 मैंने स्टार्टिंग टैग दे दिए हैं, एंडिंग टैग्स मैंने नहीं दिए, देने चाहिए थे लेकिन दिए नहीं है फॉर सर्टेन रीज़न। मैं इसे सेव करता हूँ और वापस अपने वेब पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये हेडिंग्स जो है ना वो कुछ इस फॉर्मेट में नज़र आएंगे। ये इस फॉर्मेट में इस वजह से नज़र आई हैं, H1 बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग जो है वो H1 ने, ये मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है जो ये H1 की वजह से जो नज़र आ रहा है। H2 कदरे छोटी H1 से, H3 कदरे छोटी H2 से एंड सो ऑन, और H6 बीइंग द स्मॉलेस्ट, इसका टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाता है हमारे पास, इसकी साइज़ भी बढ़ जाता है, फॉन्ट की वेटेज भी बढ़ जाती है,
ठीक है, स्टैंडर्ड HTML में डिफाइंड है, इसे गूगल किया जा सकता है कि ये एक्चुअल इसकी क्या है, और इसको ओवरराइड भी किया जा सकता है अगर आप अपनी H1 टू H6 जो है वो डिफाइन करें, लेकिन स्टैंडर्ड जो HTML प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये H1 और H1 टू H6 टैग्स हैं जी। जी तो हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमने पैराग्राफ्स लिख लिए, हमने हेडिंग्स इंट्रोड्यूस करवा ली, और चूँकि जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो आउटपुट कुछ इस शक्ल में है कि हम चाहते हैं कि भाई हेडिंग्स लग गई, पैराग्राफ्स बन गए, लेकिन पैराग्राफ की अपनी जो हेडिंग है वो पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है ना वो नज़र आ रही है, तो हम अपनी इन्हीं हेडिंग्स को यहाँ पर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से जी मैं फर्स्ट पैराग्राफ को इससे पहले मैं H1 का टैग जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दूँ, जी बिल्कुल करवा सकते हैं, और यहाँ पर एंडिंग पे फिर मैं इसके जो H1 का टैग इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, जी बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप पैराग्राफ 2 के लिए भी यही काम करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं कि यहाँ पर H1 का स्टार्टिंग टैग और यहाँ पर आपके पास इसका एंडिंग टैग लग गया। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब आप इसको पेज को रिफ़्रेश करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग और सेपरेट हो जाएगी अपने कंटेंट से, और सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग सेपरेट हो जाएगी अपने कंटेंट से, ठीक है। तो इस अप्रोच को यूज़ करते हुए हमने अपने वेब पेज के अंदर पैराग्राफ्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, हेडिंग्स इंट्रोड्यूस करवा दी, कमेंट्स को हमने देख लिया और बाकी चीज़ें भी हमने देखी हैं। अच्छा, एक मिस्टेक जो हम करके आए थे वो ज़रा देखते हैं कि वो क्या है। वो ये है कि H1 से H6 तक हमने स्टार्टिंग टैग यूज़ किया हुआ है लेकिन एंडिंग टैग हमने H1 ही रहने दिया, तो इससे हमें ये पता चलती है चीज़ कि ब्राउज़र जो भी वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे वेब पेज को रेंडर करते हुए कोशिश करता है कि अगर हमने कोई माइनर सी मिस्टेक की हुई है तो वो उसको प्रोसेस जितना मुमकिन हो सके करे। तो H1 का एंडिंग टैग H1 है, फाइन। H2 का एंडिंग टैग H1 नहीं है लेकिन ये उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। अच्छा, इससे जब तक आपका ह्यूमन एक इंसान जब आपके वेब पेज को देख रहा है तो इसका कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई स्क्रीन रीडर या आपका वेब क्रॉलर या इस तरह का कोई भी यूज़र एजेंट जो है वो अगर आपकी वेबसाइट को जो है ना वो रीड आउट कर रहा है तो उसको इसमें टैक्सोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी कि प्रॉपर टैग्स H1 टू H6 नहीं यूज़ हुए हुए, जिसकी वजह से उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऑलवेज रिकमेंडेड अप्रोच है कि जी आप टैग्स प्रॉपर सही तरीके से स्टार्टिंग और एंडिंग के पेज की शक्ल में जो है वो यूज़ करें। इस ट्यूटोरियल में हमें जो चीज़ें देख ली हैं पैराग्राफ्स, हेडिंग्स और कमेंट्स टैग्स के हवाले से वो जो है वेरी यूज़फुल हैं फॉर कंटेंट जनरेशन और उसमें जो डिस्प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद HTML में क्या है करने को। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ये आपके अब्जॉर्ब कर सकें और इसको आप रिप्रोड्यूस कर सकें। फॉर द दिस सेशन आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोस में हम नए कंटेंट्स, नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।